नमस्कार, न्यूज 18 गुजराती में आपनो स्वागत छे। आपनी साथे हूं छूं मित्तल। महत्वना समाचारों पर नजर करिए तो जामनगर में जोड़िया पुलिस से 3 राउंड फायरिंग कर्या छे। भादरा पाटिया नजीक वॉच दरमियान एक गाड़ी ने रोकवानो प्रयास कर्यो हतो। मोरबी थी आवी रहेला कार चालके पुलिस पर कार चढ़ावी देवानो प्रयास कर्यो हतो। पुलिस पर कार चढ़ावी देवानो प्रयास करता पीएसआई आर डी गोहिले गाड़ी पर 3 राउंड फायरिंग कर्यु छे। एक राउंड मिस फायर पर थयो जारे मोरबीना सलीम दाऊद माणेक ने रफीक गफूर मोवर विरुद्ध पुलिस नी हत्याना प्रयास नी कलम हेठळ गुनो नोंधायो छे। मोरबीनी कोई अपहरण नी घटना ने लईने पुलिस वॉचमां हती, ते दरमियान आ घटना बनी छे। पुलिसे एक गाड़ी ने रोकवानो प्रयास पण कर्यो हतो, ते दरमियान पीएसआई कार उपर 3 राउंड फायरिंग कर्यु हतु। जोड़िया नी आ घटना के ज्यां जोड़िया पुलिसे 3 राउंड फायरिंग कर्यु छे। भादरा पाटिया नजीक पुलिस से वॉच गोठवी हती, ते दरमियान फायरिंग कर्यु छे। कारण के गाड़ी ने रोकवानो प्रयास कर्यो हतो, परंतु गाड़ी ना रोकाता पुलिसे फायरिंग कर्यु छे। पुलिसे गाड़ी ने रोकवानो प्रयास कर्यो हतो, ते दरमियान पीएसआई कार उपर 3 राउंड फायरिंग कर्यु छे। एक राउंड फायरिंग में मिसमैच थयु हतु, जोड़िया पुलिसे आ फायरिंग कर्यु छे। तो अपहरणनी घटना ने लईने पोलीस वॉचमां हती, ते दरमियान आ समग्र घटना बनी छे, जेमां जामनगरमां जोड़िया पोलीसे 3 राउंड फायरिंग कर्युं छे। भादरा पाटिया नजीक वॉच दरमियान पोलीसनुं आ फायरिंग, जेमां पोलीस पर कार चढ़ावानो प्रयास करता पोलीसे फायरिंग कर्युं छे। पोलीसे गाड़ी ने रोकवानो पोलीसे प्रयास कर्यो हतो, ते दरमियान ते गाड़ी न रोकाता पोलीसे पीएसआई कार उपर 3 राउंड फायरिंग कर्यु छे। जामनगर नी आ घटना के ज्यां पोलीसे 3 राउंड फायरिंग कर्यु छे। पोलीस पर कार चढ़ावानो प्रयास करता फायरिंग करवामां आव्यु छे। पोलीसे एक गाड़ी ने रोकवानो प्रयास पण कर्यो हतो। जामनगर थी मारी साथे संवाददाता किंजल जुड़े गया छे। किंजल, जे प्रमाणे घटना नी बात करवामां आवे, आ बनाव समग्र शुं हतो, शा कारणे पोलीसे फायरिंग करवुं पड्युं? बिल्कुल मित्र, जे प्रकारे वात करवामां आवे, जामनगरना जोड़िया पंथकमां आवेला भादरा पाटिया नजीक ગઈકાલે જોડિયાની પોલીસ છે એ વોચમાંથી મોરબીથી એક કાર ચાલક છે, સ્કોર્પિયો કાર ચાલક, તે પૂરપાટ ઝડપે આવતો હતો ને જે પ્રકારે મોરબીમાં કોઈ અપહરણ થયાની ફરિયાદ છે તે નોંધાઈ હતી, તેને લઈને જે પ્રકારે પોલીસ છે તે પોલીસ હરકતમાં આવી હતી ને પોલીસે જે કાર રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો ત્યારે કાર છે તે રોકવામાં ન આવી હતી। આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને પોલીસ ઉપર કાર ચડાવી દેવાનો પ્રયાસ કરતા જ પીએસઆઈ આર ડી ગોહિલે છે 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું। ગાડી ઉપર જે ફાયરિંગ કર્યું હતું તેને લઈને ભારે અફડાતફડી મચી ગઈ હતી। આ સમગ્ર ઘટના અંગે મોરબીના સલીમ દાઉદ માણેક અને રફીક ગફૂર મોવર વિરુદ્ધ પોલીસે હત્યાની કલમો સાથે ગુનો પણ નોંધવામાં આવ્યો છે। ગઈકાલે સાંજની આ ઘટનાને લઈને હાલ જામનગર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે મિત્ર। બિલકુલ કિંજલ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। अन्य समाचारों पर नजर करिए तो अमरेली में लीलिया में फायरिंग की घटना बनी छे। मोड़ी रात्रि 2 राउंड फायरिंग की घटना बनी। किशन दवे ऊपर बाइक पर आवेला शख्सोए फायरिंग